जिला मथक पालनपुर जूना लक्ष्मीपुरा खाते आकांक्षा पुनर्वसन केन्द्र नो प्रारंभ करायो छे। लक्ष्मीपुरा युवक मंडल द्वारा 0% टोकन दरे अपायेली जगह में शुरू करायेल आ केन्द्र ने आज विधिवत रीते खुल्लू मुकायुं हतुं। अंधजन मंडल अमदावाद द्वारा दिव्यांगों माटे शुरू करायेल आ पुनर्वसन केन्द्र ने व्यापक आवकार मळ्यो छे। पालनपुर जूना लक्ष्मीपुरा खाते लक्ष्मीपुरा युवक मंडल संचालित संस्कार बाल मंदिर की जगह अंधजन मंडल द्वारा आकांक्षा पुनर्वसन केन्द्र बनावायु छे। आ केन्द्र ने आज पालनपुर धारासभ्य हस्ते खुल्लू मुकायु हतुं। प्रज्ञाचक्षु सहित दिव्यांग बाळकों माटे कार्यरत अमदावाद अंधजन मंडल द्वारा आज पालनपुर जूना लक्ष्मीपुरा खाते आकांक्षा पुनर्वसन केन्द्र नो प्रारंभ करायो हतो। आ जगह पर अगाउ लक्ष्मीपुरा युवक मंडल द्वारा संस्कार बाल मंदिर चालतु हतुं, जे बंद थता जग्या 0% दरे लक्ष्मीपुरा युवक मंडल द्वारा अंधजन मंडल ने अपाता आ पुनर्वसन केन्द्र शुरू करायु छे। आ केन्द्र ने पालनपुर धारासभ्य अनिकेत ठाकर हस्ते खुल्लू मुकायु हतुं। आ प्रसंगे दिव्यांग लोगों ने दृष्टि पूरी पाड़वामां मददरूप बनता चश्मा नुं पण वितरण करायु हतुं। आ प्रसंगे लक्ष्मीपुरा युवक मंडल प्रमुख पीयूष पटेल, मंत्री कनुभाई पटेल, अशोकभाई पटेल, डॉक्टर एस के मेवाड़ा सहित अंधजन मंडल अमदावाद अग्रणीओ उपस्थित रहा था। आज लक्ष्मीपुरा मुकामे लक्ष्मीपुरा युवक मंडल अने अंधजन मंडल अमदावाद द्वारा एक पुनर्वसन केन्द्र एटले के दिव्यांग लोगों माटे पुनर्वसन केन्द्र की शुरुआत आज करवानी हती, एनु उद्घाटन कर्यु। अने साथे साथे एक एवं एक इंस्ट्रूमेंट एवं एक चश्मा के जेनाथी अपनी जोड़े अंध व्यक्तिओ ने खूबज रस्तो क्या छे, रुपियानी नोट शू छे, एवं सरस इंस्ट्रूमेंट आज भेट आपवानो मने मौको मळ्यो। मातृश्री अमतीबेन गंगाराम भाई मेड़ात प्रेरित आकांक्षा पुनर्वसन केन्द्र जे अत्यारे आपणे अहींया लक्ष्मीपुरा युवक मंडल थी बालमंदिर जे संस्कार चालतुं हतुं एमां अंधजन मंडल अमदावादने आ संस्थामां प्रेरित करवामां आपणे एमने आ सोंपणी करीए छीए। अहींया जे छोकराओ एवा छे के जे ब्लाइंड छे, जे मंदबુદ્ધિના છે, એ લોકોને એક પણ રૂપિયાની ફીસ વગર એ લોકો અહીંયાથી 10-5 સુધીની ટ્રેનિંગ કરાવવામાં આવશે અને આ સંસ્થાની અંદર એમને પ્રેરિત કરવામાં આવશે કે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું એમને રમતગમત કરી શકે, કોઈ પ્રકારની નાના નાના રમકડા કે એવું બધું બનાવી શકે છે। એટલે આ સંસ્થા અમારી જે બાલમંદિર ચાલતી હતી એ સંસ્થા ઘણા દિવસથી અહીંયા બંધ હતી, તો એ સંસ્થાની અંદર અમદાવાદ અંધજન મંડળ બાળકો એવા લોકોને એટલે આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી આપણને 50-52 જેટલા છોકરાઓ અહીંયા મળી ગયા છે અને આ સંસ્થા એમને અમે 0 રૂપિયાના ટોકન પર એમને આ સંસ્થા ચલાવવા માટે આપી દીધી છે।